हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज जोन। तो हम लोग क्लास ट्वेल्थ की मैथ्स कर रहे थे, चैप्टर नंबर 3 आव्यू। उसमें हमने एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 से आज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसका जो 1 है वो हमने कर लिया था कंप्लीट। अब हम ये सेकेंड वाला सॉल्व करेंगे। अभी देखिए, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होना है जैसे हमने फर्स्ट वाला सॉल्व किया था। बस आपको इंटू करनी है दोनों पक्षों में, जैसे इसमें आपस में इंटू करनी है, इसमें इंटू करनी है, और देखना है कि ये इक्वल है या नहीं। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। यहाँ तक तो हमने पूरा सॉल्व कर लिया था, अब हम आगे का कर रहे हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले तो गुणा करनी है जो दो पक्ष दिए हुए हैं उनमें, ठीक है। आप लोग को गुणा करना मैं पिछली वीडियो में सिखा चुकी हूँ, क्योंकि गुणा की वीडियो पहले आ चुकी है। मैं इसे बार बार नहीं बताऊँगी कि गुणा कैसे की जाती है, फिर भी जनरली मैं आपको एक बार सिखा देती हूँ कि जो गुणा है वो किस टाइप से की जाती है। सबसे पहले तो हम फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स दिया होता है उसकी हम रो लेते हैं, ठीक है। रो यानी पंक्ति, उस पंक्ति की हम इसके कॉलम से गुणा करते हैं। पहले फर्स्ट वाले से, फिर सेकेंड वाले से, फिर थर्ड वाले से, इस तरीके से गुणा करते जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे भी की गई है ये गुणा। आप फिर इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो है फाइनली ये आ जाएगा। उसके बाद आपको इन दोनों की भी गुणा करनी है, जैसे जो राइट हैंड साइड में दिए हुए हैं उनकी गुणा भी आप उसी तरीके से करेंगे जैसे मैं पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। गुणा करके उसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। क्या ये देखिए, आप लोग खुद देखिए, क्या ये दोनों इक्वल लग रहे हैं आपको? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हम इन दोनों के बीच में ये साइन बना देंगे कि डज नॉट इक्वल्स टू, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो यही हमें प्रूव करना था कि आप दर्शाइए कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। आपको ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 201 213 1 -10। तो ए स्क्वायर माइनस 5a + 6i की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ए स्क्वायर क्या है, आप लोग कह सकते हैं ए इंटू ए, आप ए स्क्वायर को ये बोल सकते हैं। तो मतलब आपको क्या करना है, इस वाले मैट्रिक्स की खुद इसी से गुणा करनी है, ठीक है। 5a आप किस तरीके से निकालेंगे, जो मैट्रिक्स दिया होगा ए का उसकी पूरे में 5 से गुणा करेंगे। और 6i, अब आप लोग जानते हैं i, मैंने आपको बताया था तत्समक आव्यूह, जब आव्यूह का मैंने प्रकार बताए थे उसमें मैंने आपसे कहा था कि इसका आगे बहुत यूज़ है। तो देखिए, ये आव्यूह में जो i है वो क्या है, वो होगा 100 010 001, ठीक है, क्योंकि इसमें विकर्ण में 1 आता है। तो यही इसका क्या होगा, आई की वैल्यू होगी। आई की वैल्यू आपको वैसे बुक में दी होगी तो आप लोग उससे भी देख सकते हैं। ये i3 है बाय द वे, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे 3 लिए हुए हैं ना, इसलिए 3i कहलाएगा ये i3। और i2 होता अगर तो आपको 1 0 0 1, सिर्फ सिंपल ये करना था, इसमें भी 1 आ रहा है इस तरीके से। तो बस यही होता है तत्समक आव्यूह। अब आपको पहले ए स्क्वायर निकालना है। देखिए, ए स्क्वायर निकालने के लिए आप ए की गुणा इसी करेंगे, यानी इस वाले मैट्रिक्स की खुद इसी से कर देंगे गुणा। तो गुणा करी देखिए आपने, तो आपका ये वाला मैट्रिक्स मिला आपको। उसके बाद आपको निकालना है 5a। तो 5a आपका कैसे निकलेगा, ये a दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ 5 से गुणा करनी है, यानी 2 की 5 से होगी तो 10, अब 0 से होगी तो 0, 5 की 1 से होगी तो 5, 5 × 10, 5 × 5, 5 × 3 = 15। इसमें इस पूरे में 5 की गुणा कर रही हूँ मैं, 5 × 5 माइनस का 5 और 0। तो आपका ये वाला मैट्रिक्स मिलेगा 10 0 5 10 5 15। देखिए ये दिया होगा 10 0 5 10 5 15। यहाँ इसमें इक्वेशन में ही रख दिया है पूरा। देखिए, ये ए स्क्वायर वाली इक्वेशन पूरी लिखी, उसमें फिर पूरा रख दिया इसको। और जैसे मैंने आपको बताया था आई क्या होता है, ये होता है आई, इसमें 6 ही गुणा करनी है। तो आपका जो नीचे आ जाएगा वो ये आएगा। उसके बाद आप देखिए, अब जो 5 है उसमें से 10 माइनस करना है आपको। तो आपने लिख लिया 5 - 10, और क्या जोड़ना है, 6 जोड़ना है। तो आपने +6 लिख दिया। इस तरह से -1 में 6 आपको, -1 में से 0 आपको घटाना है, और जो 0 है वही जोड़ना है, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस का साइन और यहाँ माइनस का। इस तरीके से 2 में 5 को घटाना है और उसमें से 0 जोड़ना है, मतलब कोई वैल्यू नहीं है 0 के, पर ये लिख दिया है यहाँ पे जिससे आपको ईजिली समझ आ जाए। उसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर फाइनल होगा वो ये होगा, 1 - 1 - 3 - 1 - 1 - 10 - 5 = 4।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जब भी इक्वेशन के क्वेश्चन दिए हों, अब मान लीजिए आपको दिया होता a का क्यूब, तब आप क्या करते, तब आप पहले ए स्क्वायर निकालते, फिर उसकी ए से गुणा कर देते, ठीक है। तो आप इस तरह की कैसे करेंगे क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा कर दिया है पीडीएफ बनाते टाइम। तो देखिए इसमें पूरा क्वेश्चन ये है, 102 021 और 203, ये पूरा मैट्रिक्स ये है। ए आपको दिया हुआ है, वैसे नीचे लिखा हुआ है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है मुझे लिखने की, पर देखिए अब इसमें ए क्यूब दे दिया आपको। अब कहा है कि ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस सेवन ए प्लस 21 इज इक्वल्स टू, आपको जीरो प्रूफ करना है। तो आप ए क्यूब निकालेंगे जिस तरीके से मैंने बताया, कि ए स्क्वायर निकालेंगे पहले, फिर उसकी ए से गुणा करेंगे। तो देखिए ए स्क्वायर निकाल लिया आपस में गुणा करके, फिर उसकी ए से गुणा कर दी, जो ए दिया हुआ है मैं ये वाला, इन दोनों की आपस में गुणा कर दी। गुणा करने के बाद आपका जो आया वो ये आया, तो ये आपका फाइनली ए क्यूब हो गया। देखिए गुणा वगैरह तो आपको आती है, जोड़ घटाना तो आपको इसमें सिंपली बस आप मैट्रिक्स में आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ ये जोड़ घटाना ही तो है। तो इसे तो आप इजीली इसमें से देख के भी कर सकते हैं, और देख के क्यों करेंगे, वैसे भी आपको आता है जोड़ घटाना, तो थोड़ी सिखाया जाएगा आपको 12th क्लास में। तो देखिए ये आप अपना कर लेंगे ईजिली, तो आपका जब ए क्यूब आ जाएगा उसके बाद आपको निकालना है सिक्स ए स्क्वायर, क्योंकि आपको सिक्स ए स्क्वायर को भी पता करना है। तो बस आप क्या करेंगे, जो ए स्क्वायर आपका आया है ये, इसमें सिक्स की गुणा कर दीजिए पूरे में, ठीक है। तो आपका सिक्स ए स्क्वायर आ जाएगा। सेवन ए कैसे निकालेंगे, जो मैट्रिक्स ये वाला ए दिया हुआ है इसमें सेवन की गुणा कर दीजिए पूरे में, तो सेवन ए आ जाएगा। टू आई कैसे निकालेंगे, वही जैसे बताया था, टू की पूरे में गुणा कर देंगे, वह आई जो होता है ये वन है, 001, ठीक है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए क्यूब की आपने वैल्यू लिख ली, ए स्क्वायर की लिख ली, सिक्स इसके आगे लिख दिया, सेवन का सेवन, ए की वैल्यू लिख ली, इस तरह से टू लिख लिया और आई की वैल्यू लिख ली, फिर आपने इसे सॉल्व कर दिया पूरे मैट्रिक्स को सिंपल जोड़ घटाना करके, आपका जो है वैल्यू आ गई, पूरा मैट्रिक्स आ गया 0 0। तो मतलब जो है ये एक ज़ीरो मैट्रिक्स है, तो आप इसे सिंपल खाली ज़ीरो भी लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, आपको ए दिया है तथा आई दिया है, और एक इक्वेशन दे दी है कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू है के ए माइनस टू आई, तो आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए पहले तो आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर को लिखेंगे, ए स्क्वायर यानी जो आपको ये मैट्रिक्स दिया है इसकी गुणा इसी से कर देंगे, देखिए यहाँ लिखा है, फिर इज इक्वल्स टू लगाएंगे, के लिखेंगे क्योंकि के की वैल्यू आपको नहीं पता है, तो के को के ही लिखेंगे आप, फिर ए को लिख देंगे, ए का मान जो है उसे लिख दिया, फिर आप माइनस का साइन लगा के टू का टू आई की वैल्यू रख देंगे। अब आप देखिए कहीं हम आई थ्री का यूज़ कर रहे हैं, कहीं हम आई टू का यूज़ कर रहे हैं, आपको ये बुक में नहीं दिया होगा कि आप आई टू लिखिए या आई थ्री लिखिए, कहीं कहीं क्वेश्चंस में दिया भी होगा, बट ये आपको खुद ही डिसाइड करना है कि आप कैसे करेंगे। देखिए अब ये मैट्रिक्स आपको 2x2 का दिया हुआ है नहीं है, ये वाला मैट्रिक्स भी 2x2 का है, तो अब आप जो आई की वैल्यू लेंगे वो भी 2x2 की लेंगे, इसलिए हम आई टू बोलते हैं उसे, ठीक है। तो वो जो वैल्यू होगी वो ये होगी इस तरीके से। अगर सारे मैट्रिक्स जैसे पिछले क्वेश्चन में थे 3x3 के थे सारे मैट्रिक्स, तो हमने तभी हमने आई थ्री की वैल्यू ली थी, इसलिए हम इसमें आई की जगह अब ये रखेंगे, क्योंकि जोड़ घटाना जो है वो इक्वल मैट्रिक्स में ही हो सकता है। अब आपने क्या करा, इसकी गुणा करी, अब आपका गुणा तो ईजिली आप लोग कर लेंगे, जैसे इसमें मैं बता दे रही हूँ, देखिए आप पहले इस तरीके से ब्लॉक बनाया, आपने 3 की 3 से करी तो 9, माइनस 2 की 4 से माइनस का 8 इसी तरीके से यहाँ भी करी, 3 की -2 से -6, -2 की -2 से 4, नीचे भी आप इस तरीके से गुणा कर लेंगे, आपका फाइनल ये आएगा। उसके बाद k की आपको इस पूरे में गुणा करनी है, ठीक है। जब आप k की 3 से करेंगे 3k, k की -2 से तो -2k, k की 4k से 4 से तो 4k, और k की -2 से तो -2k, इस तरह से यहाँ भी 2 की पूरे में गुणा करेंगे। फिर आपको देखिए बीच में, इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है, तो आप बस ये लिख देंगे 3k-2, 2k-0, 4k-0, -2k-2, ठीक है। अब आप इन लोगों की तुलना करेंगे, क्योंकि आपको पता है जब मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके अंदर के एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, तो मतलब ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा। जब आप देखेंगे कि 3k जो है 3k-2 1 के इक्वल है, तो आपका 3k किसके इक्वल हो जाएगा, 3k, इससे आप k की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी आएगी 1, ठीक है। आपको सबको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपने एक सॉल्व कर लिया तो आपको सब में वही सेम आएगा,
अब अगर आप चाहें तो दूसरा भी ले सकते हैं। देखिए माइनस टू जो है वो माइनस टू के इक्वल है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आना वन ही है। आप एक ही सॉल्व करके दिखाइए, तो आपकी के की वैल्यू जो आ गई वो आ गई वन। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 18 है ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, कई क्वेश्चन पेपर में आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन बैंक्स में भी मिलेगा आपको, अनसॉल्व में भी मिलेगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपरों में, तो आप इसे ज़रा ध्यान से समझिएगा। आपको एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, उसके बाद आपको ये प्रूव करना है कि जो आई प्लस ए है, आई माइनस वो इजी कॉस्ट होगा आई माइनस ए और इस सब के। तो सबसे पहले आप आई प्लस ए निकालिए। आई प्लस ए, आई क्या है, वही मैंने आपको बताया, तत्समक आव्यूह आइडेंटिकल मैट्रिक्स, तो बस आपने वो रखा और ए लिख दिया। देखिए आई प्लस ए आपने इस तरीके से निकाला, आई को लिखा और इसको लिख दिया ए को। अब आप इसे जोड़ेंगे, वन में ज़ीरो तो आप जोड़ेंगे तो वन ही आना है आपका, ज़ीरो में टेन अल्फ़ा बाई टू जोड़ेंगे तो टेन अल्फ़ा बाई टू आ जाएगा। इस तरह से यहाँ माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू और यहाँ वन आ जाएगा आपका। तो आपको आई प्लस ए तो पता चल गया कि हमारा ये है, ठीक है। इस तरीके से आप आई माइनस ए भी निकाल लीजिए, क्योंकि आई माइनस ए भी आपको दिया हुआ है, तो आई माइनस ए आपका आएगा ये, जस्ट इसके अपोजिट साइन वाला, इस वाले के होगा। मतलब i माइनस ए करा है उसमें i प्लस ए करा था, थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, ज़्यादा नहीं है ये। देखिए i था ये, इसको हमने i लिया, ये पूरा a है, इसमें से अब आपने घटा लिया, जैसे आप मैट्रिक्स घटाते हैं इसमें से इसे, इसमें से इसे, आपने जब घटाया तो आपका फाइनली ये आ गया। अब देखिए, अब आपको जो आपको दायां पक्ष दे रखा है वो ये दिया हुआ है, आपने i माइनस ए और i प्लस ए की वैल्यू तो निकाल ली, और इसके साथ ये भी दिया हुआ है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, जो आपने i माइनस ए की वैल्यू निकाली है उसकी इसके साथ इंटू कर देंगे, क्योंकि बीच में इंटू का ही साइन है, कुछ बीच में नहीं लिखा है तो वो इंटू है, ठीक है। तो आपने बस i माइनस ए को लिखा, उसकी इसके साथ गुणा कर दी। अब आप गुणा करने तो आपको आती है, या फिर अब आप देखिए गुणा तो करिए मत, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेट वैसा हो जाएगा क्वेश्चन, तब बन जाएगा। आप इसे ऐसे लिखते रहिए अभी, और देखिए कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए आपने कॉस टू थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है, टेन में क्या होता है वन प्लस, सॉरी वन माइनस होता है, एक सेकेंड, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो बस यही फॉर्मूला लिखा है। इस तरह से आपने साइन टू थीटा का फॉर्मूला भी पढ़ा है जो टेन के फॉर्म में होता है, तो बस यहाँ कॉस अल्फा था, तो जब आप 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 कर देंगे, क्योंकि वहाँ 2 थीटा होता है तो थीटा आ जाता है, यहाँ अल्फ़ा है तो अल्फ़ा बाय 2 आ जाएगा। तो बस सिंपली आपने इस कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला रख दिया, यहाँ भी कॉस अल्फ़ा है तो यहाँ भी यही फॉर्मूला रख दिया। अब देखिए साइन अल्फ़ा, आपने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ही पढ़ा है, क्या होता है 2 टेन थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2, सॉरी आई एम सॉरी थीटा बाई 2 यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि देखिए थीटा बाई 2 तब आता जब आपको थीटा दिया होता। अब दिया तो आपको 2 थीटा है, तो 2 थीटा का आधा तो थीटा ही होगा, तो खाली थीटा रहेगा यहाँ पे, मैंने दो के से लिख दिया उसमें से, तो बस आप साइन अल्फा की जगह ये रख देंगे। उसके बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे, गुणा करेंगे जब आप इनके आपस में, तो इतना पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तब जाके आपका यह आएगा जो कि i प्लस ए है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था ये। अगर आप चाहें तो कुछ ही कोई और मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप लोग चाहें तो हर बुक में अलग अलग मेथड दिया होता है। देखिए i प्लस ए आपने निकाल ली, सबसे पहले तो आप अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन टफ लग रहा है इस तरीके से करना, तो आप एक तरीका ये कर सकते हैं कि जो आपको टेन अल्फ़ा बाय टू दिया है ना, यही तो पूरे क्वेश्चन को बना रहा है टफ, इसे आप मान लीजिए टी, तो आपका क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा इजी। तो ए आपका जो बनेगा वो बनेगा ज़ीरो, टी माइनस टी एंड ज़ीरो। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो ए मैट्रिक्स दिया था ना, बस यहाँ पे इसकी जगह पे टी रख दिया, बस सिंपली और कुछ नहीं करा है। उसके बाद आपको साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। साइन अल्फ़ा क्या होता है, अभी आपने बताया, मैंने अभी इस वाले क्वेश्चन में करा था, टू
टेन अल्फ़ा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू। तो बस आपको जहाँ टेन अल्फ़ा बाई टू है वहाँ टी रखना है, और टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू की जगह आप रख देंगे टी स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। ये भी तरीका है इस तरीके से। फिर आप कॉस अल्फ़ा की वैल्यू भी निकालेंगे, साइन अल्फ़ा की आपने निकाली, कॉस अल्फ़ा की वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू होगा, तो टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू की जगह हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर। ऐसी वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, तो वन प्लस टी स्क्वायर। तो ये आपकी कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आ गई टी के फॉर्म में। ऐसी साइन अल्फ़ा की वैल्यू आपने निकाली टी के फॉर्म में। आई प्लस ए आपको निकालना ही है जैसे अभी आपने निकाला, फिर आप आई माइनस ए भी निकालेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आप इस वाले पद पर आएंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड को जब आप लेंगे, तब आपको ज़्यादा मतलब करना टफ नहीं लगेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि देखिए आई माइनस ए, आई माइनस ए आपने निकाला था क्या, अब आपको फिर ना आई माइनस ए इस तरीके से नहीं निकालना पड़ेगा। ये जो दिया हुआ है आपको टेन के फॉर्म में नहीं आएगा, वो आएगा वन, इसकी जगह आप टी रख देंगे, इसकी जगह माइनस टी और वन, ये आएगा आपका आई माइनस ए, क्योंकि टी के फॉर्म में निकाल रहे हैं ना आप, तो आई माइनस ए आप ये रखेंगे। और जो कॉस वाली दिया हुआ है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, ए कॉस बीटा नहीं सॉरी कॉस अल्फ़ा, उसकी जगह पे आप वो रख देंगे जो अभी मैंने बताया, कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, इस तरीके से साइन का जो है वो आप पुट कर दीजिएगा। उसके बाद जब आप उसे सॉल्व करेंगे, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करेंगे, तब भी वही आएगा आपका आंसर। और अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये भी ज़्यादा टफ नहीं है, इसमें सिर्फ डायरेक्ट करा है, टी नहीं माना है। तो ये आज हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक कर लिया सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 19 से कल हम स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।